राजस्थान के करौली जिले के 45 किलोमीटर दूर हिंडौन तहसील के बीचों बीच निकलने वाला खारी नाला, यह खारी नाला वहां के व्यक्तियों के स्वास्थ्य का दुश्मन बना हुआ है। इस नाले से 25-30 हज़ार की आबादी वाले लोग प्रभावित हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, जितना प्रदूषण इससे फैला हुआ है यहाँ के माहौल में, इससे ज़्यादा किसी चीज़ से भी नहीं फैला हुआ है। इस खारी नाले के लिए हमारे नगर पालिका प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग को भी ध्यान देना चाहिए, जिससे इस नाले से वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का कोई असर ना पड़े। नगर पालिका की लापरवाही की वजह से आज जो स्थिति सामने है वो दिख रही है। इससे पीलिया, हैजा, मलेरिया, दुनिया भर की बीमारियां हो रही हैं। जबकि नगर पालिका के अंतर्गत इतना पैसा आता है, हर साल पैसा आता है, और उस पैसे से ना तो कभी नगर पालिका उसकी सफाई कराती है, एक दिन कराती है, दूसरे दिन बंद कर देती है। थोड़ी थोड़ी दूरी के जो है ठेका दे देते हैं, ठेका देके नहीं, और जो है 10-20, 25-30, 40 जो है ट्रॉली, 10-20 ट्रॉली यहाँ से साफ करवा देते हैं, बाकी कचरा है यहीं रहता है। मैं जब स्वयं वहाँ पे खड़ी हुई थी तो इतनी देर खड़ी नहीं हो सकी कि उस नाले के पास में खड़ी हो जाऊँ, इतनी बुरी बदबू आ रही थी कि पूछा ही मत जाए। इतने कानून बनाए हुए हैं कि इतने चौड़े नालों को कभी खुला हुआ नहीं रखना चाहिए और उनकी सफाई हर 15 दिन में होनी चाहिए, जबकि आज तक भी हिंडौन के नाले की कोई सफाई नहीं हुई। इसलिए हमारी नगर पालिका को उस पर ध्यान देना चाहिए और उसकी सफाई करानी चाहिए, जिससे वहाँ पर रहने वाले लोग जो प्रभावित हो रहे हैं वो अपने स्वास्थ्य का दुश्मन ना बने। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड़ के लिए।